फतेहाबाद प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और जिले के प्रभारी केशव प्रसाद मौर्य गुरुवार को फतेहाबाद के नगला देवहंस में चौपाल लगाकर लोगों की समस्याओं को सुना और उन्हें सरकार की योजना के बारे में बताया गया। उन्होंने लोगों से संवाद स्थापित कर कहा, हर पात्र व्यक्ति तक सरकार की योजना का लाभ पहुंचना चाहिए, इसके लिए हर प्रयास किए जा रहे हैं। ग्राम नगला देवहंस आयोजित चौपाल में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य 45 मिनट तक ग्रामीणों से संवाद किया। उन्होंने पूछा, राशन मिल रहा है कि नहीं, सुमंगल योजना और आयुष्मान कार्ड से इलाज के बारे में भी पूछताछ पर ग्रामीण रमेश चंद्र मैथ ने बताया कि किसान राजमूर्ति का बेटा बीमार है, आयुष्मान कार्ड है लेकिन अस्पताल में इलाज नहीं मिल रहा है, जिस पर उप मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी आगरा को मदद के निर्देश दिए हैं। यही नहीं, विधायक छोटेलाल वर्मा की मांग पर सीएससी पीएससी के लिए जगह चिन्हित करने के निर्देश दिए गए। इस दौरान उन्होंने कहा कि पशुओं को खुला छोड़ना बंद कर दोगे तो बेसहारा गोवंश की समस्या का समाधान हो जाएगा। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल, भाजपा जिला अध्यक्ष गिरिराज कुशवाहा, भाजपा विधायक छोटेलाल वर्मा, पूर्व विधायक डॉक्टर राजेंद्र सिंह, भाजपा मंडल उपाध्यक्ष निक्की पारशार आदि प्रमुख थे। चौपाल का आयोजन किया गया, सरकार की अनेक गरीब कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई, किसानों की से जुड़ी हुई विषयों की जानकारी दी गई और जहां कहीं भी विकास के कार्य में कोई देरी है उसे तीव्र गति से आगे बढ़ाने और जहां कोई गड़बड़ी है उसे सुधार करने और जन सहभागिता के आधार पर सरकार भी प्रयास करे और समाज भी प्रयास करे, जिसके आधार पर प्रदेश आगे बढ़े। गांव का विकास जब होता है तो प्रदेश का भी विकास होता है, देश का भी विकास होता है। इस बात को ध्यान में रख करके आज यहां गांव चौपाल के माध्यम से अनेक विषयों की चर्चा की गई, बहुत उत्साहवर्धक चौपाल रही। सर, जो लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है ग्राम पंचायत, जो क्या कुछ आपने अभी आदेश दिया है? देखिए, जो अवैध कब्जे हैं वो एक एक इंच खाली होगा। जो बताया कोई शिकायत नहीं तो उसमें कुछ कहने की जरूरत। पेयजल की बात हो गई है।